हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज अनिल के शर्मा. और हम जो है कंप्यूटर में मेमोरी हायरार्की के बारे में समझ रहे थे. तो मेमोरी हायरार्की के ऊपर ये मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर है. और इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने जो है बताया था कि रैम क्या है और रैम के कितने टाइप्स होते हैं वो समझाया था मैंने. और मैंने लास्ट में डिस्कस भी किया था कि रैम के रिगार्डिंग जो है इग्नू के कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे रोम के बारे में, और रोम के कितने टाइप्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे. और वीडियो के लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इग्नू के कंप्यूटर साइंस में रोम के रिगार्डिंग जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो एक बार और इसको समझ लेते हैं कि कंप्यूटर में जो है मेमोरी हायरार्की जो है वो किस तरह से होती है. तो इसको समझ लेते हैं एक बार. तो यहाँ पे जो डायग्राम है ये कंप्यूटर की मेमोरी की हायरार्की है. तो कंप्यूटर की जो मेमोरी जो है कंप्यूटर में वो दो टाइप्स की मेमोरी होती है. एक को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और दूसरे को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं. और प्राइमरी मेमोरी जो है ये दो टाइप्स की होती है, कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी. मेन मेमोरी को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रैम और रोम. रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो मैंने इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया है. और रैम जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक को एस रैम बोलते हैं दूसरे को डी रैम बोलते हैं. तो ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में समझा दिया है. रोम जो है रोम तीन टाइप्स के होते हैं, एक को पी रोम बोलते हैं दूसरे को ई पी रोम बोलते हैं और तीसरे को डबल ई पी रोम बोलते हैं. तो इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली आज हम इसी रोम पी रोम ई पी रोम और ई पी रोम के बारे में डिस्कस करेंगे. सेकेंडरी मेमोरी जो है आपका मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, ये चार टाइप्स की जो है सेकेंडरी मेमोरी होती है. मतलब सेकेंडरी मेमोरी को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. और मैग्नेटिक डिस्क जो है वो दो होती है, HDD जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, और FDD जिसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव. ऑप्टिकल डिस्क जो है आपका, इसके अंदर CD है, DVD है और BRD है. BRD का मतलब ब्लू रे डिस्क. और HVD है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क. और फ्लैश मेमोरी जो है ये दो हो फ्लैश मेमोरी जो है ये दो होते हैं, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव. तो अब जो है हम समझते हैं कि रोम क्या है और रोम कितने टाइप्स के होते हैं. तो ये जो है हमारा सबसे पहले यहाँ पे है कि रोम क्या है. तो हम रोम को समझते हैं और फिर देखेंगे कि रोम के कितने टाइप्स होते हैं. तो सबसे पहले समझते हैं कि रोम की जो है फुल फॉर्म क्या होती है. तो रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. तो रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी. इट इज ए परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी. तो रोम को परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि ये एक परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी है. क्यों? क्योंकि रोम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो परमानेंटली इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है. तो इट इज ऑल्सो द प्राइमरी मेमोरी यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर अलॉन्ग विद द रेंडम एक्सेस मेमोरी. तो रोम क्या है? रोम जो है आपके कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी यूनिट का पार्ट है रैम के साथ. इट मींस कि जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है या प्राइमरी मेमोरी जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को मेन मेमोरी बोलते हैं और दूसरे को कैशे मेमोरी बोलते हैं. तो मेन मेमोरी के अंदर आपका रैम आता है और रोम आता है. तो ये रोम जो है रैम के साथ प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है. इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी एज वी कैन ओनली रीड द प्रोग्राम्स एंड डेटा स्टोर्ड ऑन इट बट कैन नॉट राइट ऑन इट. तो रोम को जो है रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं. क्यों इसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं? क्योंकि इस मेमोरी के अंदर जो भी प्रोग्राम्स या डेटा स्टोर होता है उसको केवल हम रीड कर सकते हैं, बट उसको हम राइट नहीं कर सकते हैं.
मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी प्रोग्राम रोम के अंदर राइट होता है, उस प्रोग्राम को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उस डेटा को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, बट उस पर हम कुछ राइट नहीं कर सकते हैं। तो द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ रोम एंड इट इज परमानेंटली स्टोर्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विच कैन नॉट बी ओवर रिटन बाई द यूजर। तो जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, यानी कि जिस समय कंप्यूटर बनता है, उस समय कंप्यूटर का जो प्रोग्रामर है, कंप्यूटर का जो मैन्युफैक्चरर है, वो इन्फॉर्मेशन को डिसाइड कर लेता है कि रोम के कौन कौन से इन्फॉर्मेशन होंगे, और उस इन्फॉर्मेशन को जब कंप्यूटर बनाता है, जब कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की जाती है, कोडिंग की जाती है, तो उसी कोडिंग के दौरान जो है उस इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करके रखा जाता है। तो स्टोर परमानेंटली उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, जिसको बाद में कोई भी यूजर ओवर रिटर्न नहीं कर सकता है, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उस पर राइट नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, और ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब है कि अगर कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया तो कंप्यूटर, तो आपका जो डेटा है मेमोरी से वो उड़ जाएगा। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब है कि कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी जो है आपका डेटा उड़ेगा नहीं, आपका डेटा वहां पे स्टोर रहेगा। तो इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो रोम जो है ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, और रैम क्या है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है। तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है दैट स्टोर्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इंस्ट्रक्शंस। बायस सिस्टम या बायस इंस्ट्रक्शंस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का जो इंस्ट्रक्शंस है उसको रोम क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और उसकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत है जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करते समय कंप्यूटर को उस इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, तो कंप्यूटर जो है इंटरनली उस इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेता है जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो। तो अगर हम जो है रोम को थोड़ा और समझे अच्छे से, तो रोम का सबसे पहले जो है मतलब क्या है, मतलब रोम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो वो है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम को रीड ओनली मेमोरी जो है बोलते हैं। इसके बाद जो है ये परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है, और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो कुछ भी टाइप किया हुआ होता है, जो कुछ भी लिखा हुआ होता है, उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उस पे राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जब कंप्यूटर को बनाता है, तो बनाते समय, कोडिंग करते समय ही जो है कंप्यूटर जब स्टार्ट होगा, तो कौन कौन से इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी स्टार्ट होने के लिए, तो वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बनाते समय, कोडिंग करते समय ही जो है रोम के अंदर डाल देता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो परमानेंटली, वो जो इंफॉर्मेशन है परमानेंटली रोम के अंदर जो है स्टोर हो जाती है। और जो है ये नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है, मतलब इसके अंदर जो भी एक बार इंफॉर्मेशन लिख गया, वो इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं उड़ता है, चाहे आप कंप्यूटर को बंद कर दो या तोड़ दो, फोड़ दो, अगर हम दोबारा कंप्यूटर स्टार्ट कर लेते हैं और हो जाता है, तब भी वो इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर रहती है। और रोम का जो इन्फॉर्मेशन है वो होता है आपका, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो उसको स्टार्ट होते समय जो उसको इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन को उसको रीड करने की जरूरत होती है, तो उसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। तो वही बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को ही जो है रोम के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, और कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उस इंस्ट्रक्शंस को उस रोम वाले मेमोरी से रीड कर लेता है और कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं कि रोम के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली रोम के तीन टाइप्स होते हैं। एक को बोलते हैं पी रोम, और पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद जो है रोम का जो सेकंड टाइप है वो है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
और थर्ड जो है वो है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको वन बाय वन आगे के स्लाइड में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पी रोम क्या है। तो पी रोम की जो फुल फॉर्म है वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पी रोम क्या है? पी रोम इज रीड ओनली मेमोरी। तो रोम के जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे पार्ट्स जो है रीड ओनली मेमोरी ही होंगे, क्योंकि उसके इंफॉर्मेशन को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। तो पी रोम क्या है? ये आपका जो है रीड ओनली मेमोरी है दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय ए यूजर। तो पी रोम जो है रीड ओनली मेमोरी है और जिसको मॉडिफाई केवल एक ही बार किया जा सकता है यूजर के द्वारा। कब? जब मैन्युफैक्चरर उस कंप्यूटर को बना रहा हो, या जब प्रोग्रामर उस कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग को जब लिख रहा होगा और जो है कंप्यूटर के स्टार्ट होने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है, तो वो इंफॉर्मेशन जिस समय डाल रहा होता है उसी समय जो है उस इंफॉर्मेशन में हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में वो कभी भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इज नॉट इरेजेबल। तो पी रोम जो है एक बार इसमें जब प्रोग्राम बना करके इंफॉर्मेशन डाल दिया जाता है तो बाद में वो कभी इरेज नहीं हो सकता है। यानी कि पी रोम के अंदर एक बार इंफॉर्मेशन मेमोरी में डाल दी तो वो जिस समय डाल रहे हैं उसी समय वो मॉडिफाई हो सकती है इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो है वो बाद में उस प्रोग्राम को, उस इंफॉर्मेशन को हम कभी भी इरेज नहीं कर सकते हैं। तो ये था पी रोम के बारे में। अब देखते हैं ईपी रोम क्या है। तो ईपी रोम की जो फुल फॉर्म है वो है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये याद रखना है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या है? द ईपी रोम कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट देन रीराइटिंग। तो ईपी रोम में थोड़ा सा क्या है कि पी रोम के कंपैरिजन में एक सुविधा ये है कि ईपी रोम वाले मेमोरी में अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन डाल दिया है तो अल्ट्रा वायलेट लाइट की हेल्प से, अल्ट्रा वायलेट लाइट की हेल्प से हम एक बार उस इंफॉर्मेशन को इरेज करके दोबारा से हम उस पर राइट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट पी रोम। तो इसको अल्ट्रा वायलेट पी रोम भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारा डबल ई पी रोम। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ईपी रोम इज प्रोग्राम एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। अब ईपी रोम के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन परमानेंटली डाली जाती है, उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक की हेल्प से हम उसको इरेज कर सकते हैं और इरेज करके फिर हम उसके ऊपर राइट भी कर सकते हैं। तो इन ईपी रोम एनी लोकेशन कैन बी इरेज्ड वन बाइट एट ए टाइम। तो इलेक्ट्रिक की हेल्प से हम ईपी रोम में किसी भी लोकेशन को वन बाइट एट ए टाइम हम इरेज कर सकते हैं, है ना, इरेज करके फिर हम राइट कर सकते हैं, बट एंटायर चिप को हम एक साथ इरेज नहीं कर सकते हैं। तो ये था ईपी रोम के बारे में। तो यहां तक हमने ये समझ लिया है कि रोम क्या है और रोम के कितने पार्ट्स है। तो रोम के तीन पार्ट्स है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ई पी रोम। तो अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि रोम के रिगार्डिंग इग्नू के कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपका
इग्नू के BCA फर्स्ट सेमेस्टर BCS 011 जो कोड है, इस वाले सब्जेक्ट में जो है मेमोरी के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन हमेशा ही रहता है। तो इसमें हम देखेंगे कि मेमोरी में जो है रोम वाला क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है और कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्हाट इज मेमोरी हायरार्की एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम बाय इस मेमोरी हायरार्की क्रिएटेड इन कंप्यूटर सिस्टम। तो इसके बारे में मैंने जो है पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बता दिया है कि ये क्या पूछ रहा है। आगे जो है गिव द थ्री स्टोरेज डिवाइस, तीन स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताना है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और मैग्नेटिक टेप के बारे में। तो आगे के वीडियो लेक्चर में इसको कवर करेंगे। वॉट विल बी देयर प्राइमरी यूजेस, गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच ऑफ दीज सेकेंडरी मेमोरीज। तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप ये सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट है। तो ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया दिसंबर 2011, और जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेमोरी हायरार्की वो 7 नंबर का क्वेश्चन आया दिसंबर 2011 में। अगला जो है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरीज दैट आर पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, व्हाई डू यू नीड सेकेंडरी मेमोरीज इन ए कंप्यूटर इवन इफ सफिशियंट मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में भी अवेलेबल। ये नेक्स्ट आगे कवर करेंगे, आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद जो है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, एक्सप्लेन देयर फीचर्स एंड गिव देयर एडवांटेज, आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। एक्सप्लेन द रोल एंड फीचर ऑफ कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी को आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। बट यहाँ पे पूछा है प्राइमरी मेमोरी क्या है, तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में जो है आपको बताना है। इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने रैम के बारे में बताया है, तो उस वीडियो को आप देख करके पूरा रैम के बारे में बताएंगे। और इस वीडियो लेक्चर में मैंने रोम के बारे में बताया है, तो उस रोम को भी पूरा समझ करके आपको जो है बताना है। तो प्राइमरी मेमोरी में आपको रैम के बारे में बताना है, रोम के बारे में बताना है और एक कैशे मेमोरी के बारे में भी बताना है। बट कैशे मेमोरी का ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कैशे मेमोरी जो है हम आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो बेसिकली प्राइमरी मेमोरी में आपको रैम और रोम के बारे में बताना है। रैम मैंने फर्स्ट इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया है, और इस वीडियो लेक्चर में मैंने रोम के बारे में बताया है। सेकेंडरी मेमोरी आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ये दो दो नंबर का क्वेश्चन आया है, 6 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है, ये जून 2013 में आया है। ये एक्सप्लेन मेमोरी हायरार्की विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम, मेरे सारे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का ये पार्ट है, इसको आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगला जो है वो है व्हाट इज द नीड ऑफ मेमोरी हायरार्की इन कंप्यूटर सिस्टम, कंपेयर मैग्नेटिक मेमोरी विद सेमीकंडक्टर मेमोरी इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड कॉस्ट। सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब है रैम और रोम के बारे में बताना है। तो रैम और रोम के बारे में मैंने इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर और इस वाले वीडियो लेक्चर में कवर कर दिया है, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में वहां से समझ सकते हो। व्हाट इज मेन मेमोरी, मेन मेमोरी क्या है, तो मेन मेमोरी में आपको रैम के बारे में बताना है, रोम के बारे में बताना है और कैशे मेमोरी के बारे में बताना है। तो डिफरेंशिएट अमिंग रैम, रैम के बारे में बताना है, सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब रोम के बारे में बताना है और कैशे मेमोरी के बारे में बताना है। तो रैम का जो है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने रैम के बारे में कवर किया है, और सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब रोम के बारे में बताना है जो मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है, और कैशे मेमोरी मैं आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। ये 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया जून 2015 में। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज ए मेमोरी हायरार्की यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, एक्सप्लेन द मेमोरी हायरार्की ड्रामेटिकली डायोग्रामेटिकली गिविंग द चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेमोरी एज वी ट्रेस द हायरार्की। तो सारे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ जाएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2015 में आया है ये दिसंबर के। रोम के बारे में बताना है, एक्सप्लेन एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम एंड एग्जाम्पल्स एज एप रोम के। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने रोम के बारे में कवर किया है, तो रोम के बारे में बताना है, उसके कौन कौन से पार्ट्स है वो बताना है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है जून 2016 में। अगला जो है
अगला है, व्हाट इज मेमोरी हायरार्की? मेमोरी हायरार्की क्या है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायोग्राम को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज मेमोरी हायरार्की क्रिएटेड? व्हाई इज मेमोरी हायरार्की क्रिएटेड इन कंप्यूटर सिस्टम? ये सारा वीडियो लेक्चर देखने के बाद समझ में आ जाएगा आपको। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क? एक्सप्लेन देयर फीचर्स एंड गिव देयर एडवांटेज। आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। एक्सप्लेन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मेमोरी सिस्टम एंड द रोल ऑफ कैशे मेमोरी इन द मेमोरी हार्ड। कैशे मेमोरी को आगे के वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द फॉलोइंग। तो एस रैम के बारे में और डी रैम के बारे में मैंने इस वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में मैंने कवर किया है। सिम और डिम के बारे में आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और रोम क्या है, पी रोम क्या है, ये मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है। इसको देख करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। सी डी रोम और यूएसबी ड्राइव क्या है, ये आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अगला जो है वो है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में एक्सप्लेन करना है, जो मैंने इस वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में, मतलब फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया है। और हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम इच अदर, एक दूसरे से कैसे वो डिफरेंट है। अगला जो है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ मेमोरी हायरार्की विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। और एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सी डी रोम एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सी डी एज सेकेंडरी स्टोरेज। आगे के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर? एक्सप्लेन द प्राइमरी टास्क इट नीड्स टू परफॉर्म। तो मेमोरी के रिगार्डिंग मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर हैं, उन सबको देखने के बाद जो है इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है जून 2019 में। तो ये था कौन कौन से क्वेश्चंस जो है, कौन कौन से क्वेश्चन इग्नू के कंप्यूटर साइंस में पूछे गए हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।